मकर संक्रांति के उपलक्ष में हम आपके लिए एक खास सीरीज लाए हैं। इस सीरीज में हम आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में इस त्योहार के मौके पर क्या क्या विशेष बनाया जाता है। आज भी हम जानेंगे कि इस त्योहार को लेकर क्या विशेष बनाया जाता है, और यही जानने हम ममता वधिया जी के घर आए हैं। ममता जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, नमस्कार जी, आइए आइए। क्या बनवाएंगी आज? आज हम बनाते हैं मुर्रा का लड्डू, स्पेशल संक्रांति स्पेशल। और हर बार जब संक्रांति के जिक्र होता है तो मुर्रा का लड्डू, तिल्ली की लड्डू, हाँ, ये सब तो जरूरी ही होता है उसमें। ये तो ठंड का स्पेशल डिश है, क्योंकि ठंड में गुड़ खाना भी चाहिए जी, हेल्थ वाइज भी अच्छा होता है, गर्म भी करता है, तासीर को तो सब कोई को पसंद आता है जी, तो गुड़ का ही मिलेगा अभी आपको संक्रांति में, है ना। तो चले शुरू करें, चलिए बनाते हैं, आइए बनाएं। उसके लिए हमको ये पहले मुर्रा लेंगे। मुर्रा को आप जरूर टेस्ट करिएगा, क्रंची होना चाहिए, कुरकुरा होना चाहिए मुर्रा। ये आप ना बिना टेस्ट के कभी मत बनाइएगा, वरना आपका पूरा मेहनत चला जाएगा जी। इसको देखिए ऐसे फूटना चाहिए, देखिए एकदम क्रंची। इसका आप लड्डू बनाएंगे, है ना, तो बहुत अच्छा बनेगा। तो मैं इसका लड्डू बनाऊंगी, और जो क्रंची नहीं रहेगा वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। हाँ, सील जाता है बोलते हैं ना, नरम पड़ जाता है, तो उसका लड्डू मजा नहीं आएगा जी। और उसके लिए ये मुर्रा और गुड़ बस चाहिए होगा आज, तो आज दो ही बस दो ही चीज रहेगा जिसको हम बनाते हैं ना जी। तो हम पहले गुड़ को पकाएंगे जी। ये गुड़ आप कितनी देर में पक जाएगा लगभग? फिर भी ये मात्र 10 मिनट, मतलब बहुत जल्दी ही जो मुर्रा का लड्डू है वो बहुत जल्दी बन जाएगा। हाँ, सिर्फ आपको गुड़ पकाने में ही टाइम लगेगा, क्योंकि मुर्रा तो आपके पास है ही जी, गुड़ आपने पकाया जी। और गुड़ पकाने के लिए जैसे बस थोड़ा सा पानी डालिए, ज्यादा डालेंगे तो टाइम लगेगा, पर आप इतना देखिए कि गुड़ अगर पिघल जाता है उतना तक हम पिघलाते तक थोड़ा सा पानी डाले जी, आँच में रखिए, जैसे ही गुड़ पिघला छान लिए उसको ऐसे पकाना है। अच्छा, जैसे बाकी जब लड्डू बनाते हैं तो उसमें जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको तैयार करना पड़ता है, लेकिन मुर्रा के लड्डू में सिर्फ गुड़? हाँ, क्योंकि आप तिली का लड्डू बनाए हैं, देख तो उसको रोस्ट करना होगा, भूंजना होगा, है ना। मूंगफली का भी लड्डू बनेगा तो भी भूंजना होगा जी, लेकिन मुर्रा के लड्डू आसान है। आप मुर्रा लाइए मार्केट से और गुड़ पकाइए, बनाइए, बना लीजिए, पक रहा है धीरे धीरे। हाँ जी, देखिए बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा गुड़, पका लिए हमने जी। इसको चेक करने के लिए पानी में डाल के देखेंगे पाक कैसा है क्या है। अच्छा, इसे भी मध्यम आंच में ही पकाया जाएगा? सारे लड्डू के जब भी आप गुड़ पकाएंगे वो मध्यम आंच में ही पकेगा, वरना टेस्ट आपका पूरा खराब हो जाएगा। गुड़ का जला बिल्कुल पसंद नहीं आता है और कलर भी चेंज हो जाता है, इसीलिए मध्यम आंच में पकाइए और टेस्टी लड्डू खाइए। अच्छा, क्वांटिटी कैसे रखते हैं इसमें? मुर्रा ज्यादा रहता है कि गुड़ की संख्या ज्यादा रखते हैं? नहीं, इसमें आपको मुर्रा रहेगा उसमें आधा जस्ट गुड़ आप पका के रखिएगा, क्योंकि अगर गुड़ कम हो गया तो आपका लड्डू नहीं बंधेगा। प्लस अगर मुर्रा ज्यादा पड़ गया और गुड़ कम होगा, तुरंत प्रिपेयर भी नहीं होता है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा गुड़ पका के रखना ही पड़ता है, रखना ही चाहिए, ताकि उसके बाद हाँ कहीं कम ज्यादा लगा तो अपना ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें टाइम लगेगा, फिर आप कैसे इंतजार करेंगे कि आप फिर से गुड़ पका के डालें, तब तक तो लड्डू खराब हो जाएगा, पहले डाला होगा वो खराब हो जाएगा जी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा गुड़ आप पका के जरूर रखिए, है ना, उसको आप फिर किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, वापस फल्ली भी बना लीजिए, फिर कुछ भी बना के यूज कर सकते हैं। इतनी सारी बच्चे ऐसे ही खा जाते हैं, गुड़ की पापड़ी भी बन जाती है, जिसके यहाँ बना खाने वाले होते हैं तो गुड़ की पापड़ी बना लेते हैं कि वेस्ट ना जाए। अभी देखिए थोड़ा बस टाइम है, नहीं हुआ हाँ अभी, क्योंकि जैसे पाग का आपने पहले भी बताया है, पानी में घुल गया, ये पानी में जाके जमने लगता है, तो समझिए कि अब होने को है हाँ, वैसे तैयार ही हो गया ऐसा लगेगा, लेकिन अभी घुल गया उसमें जाके, मतलब थोड़ा टाइम पकते तक ना हम एक बर्तन में वैसे ग्रीसिंग करके ये रखेंगे जी। ये हमने तेल लगा के थोड़ा सा रखा हुआ है, जिसमें हम मुर्रा को पलटी कर लेंगे, ताकि जब गुड़ डालें तो वो चिपके ना, इसलिए पहले ही बर्तन में तेल लगा देते हैं जी। मुर्रा के ऊपर गुड़ डालेंगे, गुड़ में हम मुर्रा नहीं डालेंगे जी, क्योंकि बर्तन ये गर्म होता है, जिसको हमको पलटना जरूरी है, वरना ये गुड़ हमारा सूखा वाला उखरा पाक बोलते हैं ना वो हो जाए। तो हमको वो नहीं करना है, तो उसका कारण यही कि हम अलग बर्तन बनाते हैं इसीलिए, ताकि गुड़ हमारा उखरे मत। ये गुड़ अब तैयार है, थोड़ा दस टाइम है, गोली नहीं बन रही, देखिए थोड़ा बस टाइम है, ये इस रूप में देखिए ऐसे बबल्स जो आते हैं ना, ये लास्ट टाइम पे ऐसे, अब इसको आप चेक करिए तो ये एक तार पे ऐसे गिरेगा, तब तक पकाना है। अच्छा, मतलब मुर्रा लड्डू अगर बनाना है और बहुत ज्यादा नहीं बनाना है तो आप 10 से 15 मिनट में उसे बनाकर रेडी कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता भाई। ये देखिए ये थोड़ा सा ठीक हो गया है ना, गाढ़ा हो गया, देखिए ऐसा उठने को तैयार हो रहा है, थोड़ा सा नरम है, देखिए लटक रहा है ना, इसमें गिर रहा है, मतलब नरम है ये जी,
ये हाथ में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा सा टाइम और है। पूरे लड्डू में खेल गुड़ के पकने का ही है। जितना अच्छा गुड़ पका होगा उतना अच्छा लड्डू बनेगा और उतना अच्छा टेस्ट आएगा। किसी ने भी या मुझसे भी अगर गुड़ पकने में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो वो लड्डू नहीं बनेगा। लड्डू बनाने में बस यही देखना होता है गुड़ कब पास, गुड़ क्योंकि मेन, क्योंकि देखिए हमने लड्डू में वो नहीं डाला, गोंद नहीं डाला है। हाँ हाँ। जो भी बाइंडिंग होगी सिर्फ गुड़ से, गुड़ से ही होगी, तो इसके पाक देखना बहुत जरूरी है। और अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो मतलब पूरा लड्डू खराब हो सकता है, खराब हो जाएगा, इसीलिए ना हमको। तो आप भी जब लड्डू बनाएं तो विशेष का ध्यान रखें कि गुड़ अच्छे से पका हो, उसका जो पाग है वो तैयार हो, जैसे कि इस गुड़ का हो चुका है। ये आ रहा है ना बस जी, देखिए ये इतना गाढ़ा हो गया, हाथ में उठ के आ गया। ये ऐसे थोड़ा सा बस बंद कर देती हूँ, इसी चलाऊंगी। अब मैं इसको इसमें ऐड करूंगी, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गुड़ जरा भी हाथ में लगा मतलब पूरा मांस ही निकाल लेगा वो, ताकि किसी के ऊपर भी कभी भी नहीं। हाँ कभी विशेष ख्याल रखिएगा, हाथ में न छुआ छुआ है वो गुड़, पका हुआ गुड़ जो है ना जी इतना जल्दी चिपक जाता है, एकदम परफेक्ट। तुरंत जब गर्म रहे तभी तुरंत जल्दी जल्दी मिला के और बांध लेना है लड्डू। ये थोड़ा सा मैं अपने हाथ में तेल लगा लेती हूँ ताकि मैं उसे इकट्ठा कर सकूँ। इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ठंडा होने के लिए। देखिए जी ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया हाथ में, है ना, और जैसे ये थोड़ा ठंडा होगा हाँ फिर ये बहुत जल्दी बंधेगा। देखिए गोला तो बन ही रहा है ना जी, हल्के हाथ में दबा दिए इसको जी, है ना। ये देखिए ये लड्डू आप अपने हिसाब से साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं दबाना। अभी शुरुआत में प्रेशर से नहीं दबाएंगे, अगर बाहर का लेयर ठंडा होता है तो और आसानी से बन जाता है, तो ज्यादा अच्छे से फिर उसको बाद में दोबारा भले शेप दे दें लेकिन एक प्रेस कर लीजिए। हाँ पहली बार में उसे बहुत ज्यादा दबाना नहीं पड़ता है, दबाएंगे तो आपके हाथ में जैसे गुड़ ज्यादा लग गया ना जी तो गड़बड़ है। देखिए तेल लगाने का मतलब ये छोड़ देता है हाथ, हाँ हाथ में कुछ भी नहीं चिपकता है। जैसे जैसे ठंडा होगा ना बहुत अच्छे शेप में आ जाएगा। वैसे इसको आप दोबारा बिल्कुल बनाइए, तेल लगा लेते हैं, लगा लीजिए तेल। लीजिए बनाइए। मुर्रा के लिए क्या ना छोटे बर्तन में लो तो मुर्रा इधर उधर बिखरता बहुत है, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा कढ़ाई ले लिया ताकि गिरे मत इधर उधर, और हमेशा बड़ा बर्तन है इसके थोड़ा क्वांटिटी के हिसाब से बर्तन लेना पड़ेगा। छोटे बर्तन में डाल देंगे तो मिलाते नहीं बनेगा सारे में। देखिए सारे इसमें मुर्रा में गुड़ का लेयर लगा हुआ है जी, तो आप अगर चलाओगे तो छोटे बर्तन में इधर उधर बिखर जाता है ना, इसलिए हमने ऐसा बड़ा बर्तन नहीं लिया। और सबसे जरूरी जितना जरूरी गुड़ पकाना है उतना जरूरी सभी में अच्छे से गुड़ को मिलाना भी है, ताकि सारे इसमें अच्छे से कोटिंग हो जाए, है ना। हाँ। लेयर अच्छे होने चाहिए, अगर थोड़े भी नहीं होंगे तो अच्छे ही लगेंगे, सूखे सूखे लगेंगे। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मार्केट में ना कई लोग वो डाल देते हैं उसमें गोंद जी, उसको पकड़ लाने के लिए वो लोग बाइंडिंग हो अच्छे से करके ना, पर अब प्योर शुद्ध इसमें गुड़ में बनाइए उसका स्वाद बोलिएगा। शक्कर में या गोंद का बना हुआ लड्डू गुड़ मिला के, गुड़ में जो गोंद मिलाते हैं ना मज़ा नहीं आता उसको खाने में। हाँ लड्डू मतलब गुड़ ही होना चाहिए, गुड़ ही होना चाहिए, प्योर गुड़ में बनाइए, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है टेस्ट के लिए भी अच्छा होता है। ये देखिए हमने ये कढ़ाई का पूरा चीज़ ले लिया, अब उसको आप थोड़ा सा एक बार हल्के हाथों से और दबा लीजिए, फिर से दोबारा शेप से दे सकते हैं। अब उसको उसके आप जो शेप देंगे ना वो बहुत अच्छे से रहेगा। और अब ज्यादा अच्छे से शेप हो भी रहा है पहले के कंपेयर। देखिए ये अब आप प्रेस भी करोगे ना बिगड़ेगा नहीं, ये देखिए जितना आप दबा सकते हो, ये देखो मैंने दबा दबा के बना लिया, ये लड्डू बन गया है। और ये दिख मतलब इन दोनों का साइज भी देखिए और दिख भी कितना अच्छा रहा है। तो आप भी ज़रूर अगर सोच रहे हों कि इस बार मकर संक्रांति में लड्डू बनाना है तो इस विधि से बना सकते हैं। बाकी मैं टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कि वाकई में ये कैसा है। और सबसे जो मेन बात इन्होंने बार बार लड्डू में बताई कि गुड़ कैसा होना चाहिए, और वो इसमें देखिए कि जब हम इसे अलग करते हैं तो भी बहुत ईजिली, बहुत कड़ा नहीं है या बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप एकदम सामान्य साइज़ है ये और इसे आप आराम से खा सकते हैं। तो मैं आप टेस्ट करके बस बताती हूँ कि ये कैसा बना हुआ है। इसमें
उसमें सबसे अहम जो चीज़ थी वो मुर्रा था, क्योंकि लड्डू उसी का बना रहे थे। और आपने कहा था कि जब जब भी आप बाजार चाय से खरीदें तो विशेष ध्यान रखें कि ये जो कुरकुरा होना चाहिए, कुरकुरा हो वही मुर्रा लड्डू में यूज़ करें, और वही यूज़ किया गया और इसीलिए इतना परफेक्ट स्वाद इसमें आ पाया है। तो इस बार अगर आप मकर संक्रांति पे मुर्रा लड्डू बना रहे हैं तो ये विधि ज़रूर अपनाएं। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ प्रिया पांडे, ईटीवी भारत, रायपुर।